नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, लेक्चर नंबर 10 साथियों। आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है साथियों, जो सबने पहले किया था, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7-10 हुज एनथ टर्म आर। साथियों आपको पता होगा हम साथियों एनथ टर्म को साथियों क्या बोलते हैं, जनरल टर्म भी कहते हैं। एनथ टर्म को क्या कहते हैं, जनरल टर्म। ठीक है साथियों, जनरल टर्म भी हम साथियों कहते हैं। ठीक है साथियों, हमने यहाँ पे हमने एन रखा है, अब हम क्या रख देंगे साथियों, 7 रख देंगे। ए 7 इक्वल टू साथियों क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर अपन साथियों हो जाएगा 2 साथियों क्या हो जाएगा, 7 का साथियों क्या हो जाएगा। ठीक है साथियों, साथियों लोग कहना साथियों देखिए साथियों क्या कर सकते हैं, 7 का साथियों कितना होता है, 49 होता है साथियों। ठीक है, अपन साथियों क्या आएगा हमारा, देखते हैं अपन साथियों क्या जाएगा, 128 साथियों क्या आ गया 128 साथियों। हमारा साथियों क्या है हमारा ये आंसर है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 लेक्चर नंबर 10 साथियों, यहाँ पे कंप्लीट होता है। और साथियों जो भी हमारे लेक्चर पहली बार देख रहा हो चाहे प्लेलिस्ट में चेक करिए, हम इसकी सारी सीरीज अपलोड की है। तो तक लिए साथियों धन्यवाद।